जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको इलायची का एक ऐसा चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय बताऊंगी। ये करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपकी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे शास्त्र में दो चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम जानते हैं कि लौंग और इलायची हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों, यदि आप इस लौंग और इलायची के साथ कुछ उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि का लाभ होगा। आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे और आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लगेगी। दोस्तों, जो लोग हिंदू शास्त्र को जानते हैं उन लोगों को यह बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, ये उपाय हम इलायची के साथ करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये उपाय करते वक्त आपको कोई भी ना देखे। यदि आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हो, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र हो, जिसकी वजह से आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। आपको एक हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची लेने के बाद आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है। पूजा घर के सामने बैठने के बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा। दोस्तों, मंत्र का जाप करते वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मंत्र जाप के बाद आपको उस इलायची को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने घर के 7 चक्कर लगाने होंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद आपको अपने पूजा घर के अंदर बैठ जाना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना होगा। इस लाल रंग के कपड़े में उस हरी इलायची को आपको लपेट देना है और उसकी एक पोटली बना देनी है। इस पोटली को बांधने के लिए आप लाल धागे का इस्तेमाल करें, और इस पोटली को आपने घर में ऐसी जगह छुपा देना है कि वो किसी की नज़र में ना आए, घर का कोई भी सदस्य इसे देख ना ले। ऐसी जगह आपको इस पोटली को रख देना है। ये उपाय आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जिस भी दिन आप ये उपाय करोगे उस दिन से अगले 21 दिन बाद आपको उस पोटली को वहाँ से उठाकर पानी में विसर्जित करना होगा। अगर आपके घर के आसपास पानी ना हो तो आप इसे किसी पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं। अगर वो पेड़ पीपल का हो तो और भी शुभ माना जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।